हे गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, मैं हूँ डेविल एंड यू आर वाचिंग अननोन डेविल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे गाइस कुछ शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड लेने वाले हैं। एंड जो भी मैं ट्रेड यहाँ पे प्लेस करूंगा, अपने पास के एक्सपीरियंस से प्लेस करूंगा एंड ट्राई करूंगा जो भी शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड निकले, मैं आपको उसको डीपली एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, जिससे आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करो एंड मुझे कहीं पे भी शॉर्ट शॉर्ट मिलता है, मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करके बता दूंगा। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन द वीडियो। तो थोड़ा सा वेट करो, जैसे ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ठीक है, ठीक है। जहाँ पे मार्केट क्या हुआ है, थोड़ा सा पंप इसने दिखाया है। इस कैंडल के बाद एक हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, मार्केट अगर यहाँ तक नहीं आता है तो। ठीक है, देखो लॉजिक समझो, मार्केट एक एम पैटर्न बनाया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक नेकलाइन का भी लेवल है। देखो मार्केट में क्या हुआ है, एक एम पैटर्न बना हुआ है, गौर से देखो। मार्केट में एक एम पैटर्न बना है विद द मॉर्निंग स्टार एम पैटर्न बना है। तो अगर इसके नेकलाइन के ऊपर घुस जाता है तो मैं बाई कर लूंगा। अगर ये यहाँ तक की रैली दिखाता है फिर यहाँ से सेल का लेंगे। अगर इसके नीचे क्लोज होगा तो वेट करेंगे, ठीक है, या फिर सेफ्टी मार्जिन से बाई करेंगे। ठीक है, बिकॉज मार्केट में क्या है ना, बायर्स अपने ही हाईज का ब्रेकआउट कर रहे हैं। इट मीन्स क्या है, वो कितना तगड़ा पंप था अभी फिर से। तो इट मीन्स क्या है, बायर अभी प्रेशर में और मार्केट अभी ऊपर जाना चाहता है। देखो मार्केट अभी ऊपर जाना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तीन ट्रेड प्लेस आउट करूंगा बिकॉज मैं पूरा शॉर्ट शॉर्ट हूँ। ठीक है, तो मैंने आई थिंक यहाँ पे चार ट्रेड लगा दिया है। ठीक है, बिकॉज ये डीप विन होगा और ये विन हो जाएगा, मुझे पता है, क्योंकि मार्केट कभी भी नेकलाइन के अंदर नहीं घुसता है एम पैटर्न बनाने के बाद। अगर अगर ये घुस रहा है एम पैटर्न बनाने के बाद, तो मार्केट कंटिन्यू करेगा। कहाँ तक कंटिन्यू करेगा, अप्रॉक्सीमेटली अपने ऊपर वाले लेवल तक ये कंटिन्यू करेगा, नहीं तो यहाँ तक ये वीक्स के लेवल पे जाकर रिजेक्शन लेगा। तो देखो ये बॉडी के लेवल पे जाकर रिजेक्ट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, वेट करके देखते हैं। ये शॉर्ट शॉर्ट विन हो जाएगा, तो ये हमारा पहला शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड निकल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और आप देख सकते हो कितना अच्छा खासा डीप विन चला हुआ है और ये विन हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि बाइनरी में सक्सेस करने के लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए विद द प्रॉपर गाइडेंस। अगर आप किसी से ट्रेडिंग सीखते हो और वो बंदा आपको, लाइक जैसे किसी से ट्रेडिंग सीखोगे ना, तो कोई बंदा कोर्स के पीरियड में क्या होता है कि वो आपको आम को भी इमली समझाएगा, तो आप आम को भी इमली ही समझोगे। ठीक है, लेकिन क्या होता है, उसी जगह पे जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हो एंड जो भी वो आपको स्ट्रैटेजी, जो भी तरीका आपको सिखाता है ट्रेड करने का, उसको जब आप रियल मार्केट में एग्जीक्यूट करते हो और फिर आपको डाउट्स आते हैं, वो डाउट को क्लैरिफाई करने के लिए मेंटर आपका अवेलेबल होना चाहिए, आपके पास गाइडेंस होनी चाहिए। लेकिन उस टाइम आपका मेंटर, आपका गाइड, जो आपको गाइड करने वाला होता है, वो गायब हो जाता है। तो मैं भी अपना कोर्स सेल करता हूँ, अगर आप चाहो तो आप मुझसे ट्रेडिंग सीख सकते हो। मेरे से क्या होगा बेनिफिट आपका ट्रेडिंग सीखने में, कि मैं नॉर्मली कोर्स सेल नहीं करता, मैं नॉलेज का पैसा चार्ज नहीं करता हूँ, मैं ओनली अपने टाइम का पैसा चार्ज करता हूँ। ठीक है, बिकॉज देखो आप कोर्स जब सीखोगे ना, तो आपको जो मैंने 4-5 साल में गेम करके रखा, वो आप तुरंत कैसे सीख जाओगे, एंड उसको एग्जीक्यूट भी करोगे तो लॉसेस देखने पड़ेंगे, बट उसको ओवरकम करने के लिए, उसको समझाने के लिए तो मैं हूँ ना सर। तो मैं अपने टाइम का पैसा चार्ज करता हूँ, अगर आप मुझसे मेरा कोर्स परचेज करते हो तो मैं लाइफ टाइम का सपोर्ट करता हूँ एंड आपके ट्रेडिंग जर्नी में आपको प्रॉफिटेबल बनाने में आपकी हेल्प करता हूँ। ठीक है, तो जिनको भी मेरा कोर्स परचेज करना होगा, आ जाना टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स, सॉरी डिस्क्रिप्शन के सबसे ऊपर मिल जाएगा। तो जाकर के वहाँ पर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर आकर के आप मुझसे कोर्स के रिगार्डिंग मैसेज कर सकते हो कि ब्रदर मुझे आपका कोर्स परचेज करना है। ठीक है, तो चलो अपनी ट्रेडिंग जर्नी पे आगे, मतलब ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे आगे चलते हैं, और कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ट्रेड करेंगे। गाइस यहाँ पे मैं थोड़ा सा सेफ्टी मार्जिन के साथ सेल करूंगा, थोड़ा सा और ऊपर चला जाए तो मैं सेल कर दूंगा, थोड़ा सा और ऊपर जाना चाहिए, नहीं जाएगा तो छोड़ दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा 30 सेकंड के अंदर तो मैं सेल करूंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा। अच्छा ठीक है, ये नीचे आ चुका है, बिकॉज मुझे पता था नीचे ही जाएगा, और क्यों जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। देखो अभी ग्रीन अगर आप बन भी जाता तो कोई फायदा नहीं। देखो ये ट्रेड लेने का रीजन क्या था, मार्केट का ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, यहाँ पे बायर बैठा था और ये एक लेवल था, सेलर जो आया था बहुत ही स्ट्रांगली इस लेवल पर आया था, जो कि ये लेवल का ब्रेकआउट करने का निशान है। तो ये ब्रेकआउट होता, लेकिन एक लेवल के चक्कर में पतला सा ग्रीन कलर का डोजी बन जाता, तो क्या करते, इसलिए मैंने सोचा सेफ्टी मार्जिन के साथ यहाँ पे सेल करेंगे, ताकि ग्रीन डोजी भी बनेगा फिर भी विन करेंगे। ठीक है, तो वो हुआ नहीं और मार्केट 30 सेकंड तक इस लेवल के ऊपर गई नहीं, तो मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग, मतलब ट्रेड को प्लेस नहीं करा, बिकॉज ये लास्ट सेकंड में जाके स्ट्रांग भी हो सकता है ना, इसीलिए। ठीक है, और जैसा मैंने कहा था वैसा यहाँ पे हो भी रहा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कहीं पर और अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। ठीक है गाइस, यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, थोड़ा सा और ऊपर जाए तो सेल कर दूंगा थोड़ा सा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे मैंने एक सेल की ट्रेड लगा दी है, लॉस हो जाएगा तो कोई बात नहीं, हम इसको कवर अप कर लेंगे। ठीक है,
देखो ये ट्रेड लगाने का रीजन बहुत ही सिंपल है। मार्केट क्या हुआ था, एक डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न बना करके फॉल करने का ट्राई, एक डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न है, स्ट्रॉन्ग सेलर की कैंडल आई थी, रिट्रेसमेंट हुई थी, सेलर ने ओवरकम करा था, मार्केट को फॉल करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर फिर क्या हुआ, दोबारा बायर आ गए, जो ये इंडिकेट करते कि मार्केट में अभी स्टैक हो चुके हैं और यहाँ पे भी फिलहाल रेड ग्रीन का पैटर्न चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो चीजें काम नहीं करी है, अभी फिलहाल यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल हमें देखने को मिल रही है, बट कोई बात नहीं, वेट करके देखते हैं क्या होता है, थोड़ा सा वेट कर लो, बस थोड़ा सा है, और हमने एंट्री ली है इसके वीक के लेवल पे, जहाँ एक रेजिस्टेंस का लेवल है, तो वहां से रिजेक्शन इसको देखने को मिलेगा, और अगर ये रेड बन गई तो और अच्छी बात है, नहीं बनी तो कोई दिक्कत नहीं, मार्ट एंगल तो है हमारे पास। ठीक है, ये हमारा दो शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड गए जहाँ पे निकल चुका है, तो काफी अच्छी ट्रेडिंग सेशन जा रही है, तीन और ट्रेड लेने हैं फिर हम मार्केट से आउट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी गाइस ये लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा, अगर ये नीचे थोड़ी सी एंट्री मिल जाती है ठीक है, तो गाइस यहाँ पे मैंने एक बाई कर लिया ट्रेड को, अब ये क्या करेगा, इस लेवल का ब्रेकआउट करेगा, ये जो कैंडल है इस लेवल का ब्रेकआउट करना चाहिए, इसका टारगेट क्या है, इस लेवल का ब्रेकआउट करना चाहिए, क्यों, बिकॉज मार्केट क्या है, एक प्रॉपर बुलिस में करेक्शन वेव में है, और मार्केट प्रॉपरली अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। ठीक है, दूसरा रीजन क्या, जैसे मैंने कहा था बॉडी लेवल का ब्रेकआउट करेगा, और देखो शॉर्ट शॉर्ट ब्रेकआउट कर चुका है, बाद में रिजेक्शन ले अलग फंडा है, और इसने क्या करा था, रेजिस्टेंस लेवल पे गैप डाउन लगाया था, जो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट अपने ऊपर वाले लेवल का ब्रेकआउट करना चाहता है, कभी भी गैप डाउन लगता है जिससे ओवरलैप का लेवल कहते हैं और मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, तो क्या होगा, ये ऊपर वाले लेवल पे जाएगा, लाइक किस तरह से, तो ये अपने हाईस का इस कैंडल ने ब्रेकआउट करेगा, और देखो ये ब्रेकआउट सेम इसी तरह करा है। ठीक है, तो जिनको भी इस तरह की ट्रेडिंग सीखनी है ज़्यादा जाना टेलीग्राम पे, एंड मेरा कोर्स परचेज करके आप सीख सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा, बचा दो ट्रेड और प्लेस आउट करने का, वेट करके देखते हैं कहीं पर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। ठीक है, हम यहाँ पे का एक और ट्रेड सेल कर रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे सेल की ट्रेड लगाई है, बट ये बहुत ही रिस्की ट्रेड है, बहुत ही रिस्की है, क्यों कह रहा हूँ, देखो ये रिस्की इसलिए है ट्रेड गाइस, क्योंकि मार्केट का यहाँ है टारगेट आने का। ठीक है, और मार्केट एक मैजिक वी पैटर्न पे काम कर रहा है। ठीक है, और मार्केट को यहाँ पे गैप है, अभी फिलहाल यहाँ सेलर की कैंडल आएगी, लेकिन क्यों बताया मैंने कहा कि बहुत रिस्की है, बिकॉज इसकी क्लोजिंग हुई नहीं, ये रिसेंट कैंडल की, तो एक मारुबुजू कैंडल, और इसने परफेक्ट राउंड नंबर पे एग्जैक्ट क्लोजिंग दी है, राउंड नंबर पे अगर कोई कैंडल एग्जैक्ट राउंड नंबर पे क्लोजिंग देती है विद द मारुबुजू कैंडल, तो वो एक रिवर्सल का साइन होता है, तो देख सकते हो मार्केट रिवर्स कर रहा है, और हो सकता है मार्केट यहाँ से अपना ट्रेंड भी चेंज कर ले और कुछ इस तरह का हमें ट्रेंड देखने को मिल जाए। ठीक है, तो चलो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा मौका है, हम यहाँ पे दो बार मार्ट एंगल या तीन बार मार्ट एंगल यूज कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे वन स्टेप मार्ट एंगल लिया है, अब यहाँ पे गाइस मैंने मिलियनर स्ट्रेटजी यूज करी है। देखो आपको माइंड को एकदम रॉकेट जैसा बना के रखना पड़ेगा, यहाँ एक लेवल है, जब भी सेलर आ रहे दो बायर से यहाँ पे एंटर हो रहे हैं, जब भी सेलर आ रहे दो बायर एंटर हो रहे हैं, तो मार्केट में जब दोबारा सेलर आएगा तो दो बायर एंटर करेंगे, और आप देख सकते हो ये काफी अच्छा खासा भी फिलहाल विनिंग में तो चला हुआ है, बाकी आगे देखते हैं क्या करना है, थोड़ा सा वेट करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अभी फिलहाल नीचे, और ये लॉस होगा तो मार्ट एंगल फिर दोबारा लेंगे, बिकॉज मिलियनेयर स्ट्रेटजी में दो बार मार्ट एंगल लिया जाता है, और ये हमारे हिसाब से सेफ्टी मार्जिन भी है, तो देख लेते हैं क्या होता है, और लॉस होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अमाउंट को पहले ही बढ़ा करके रख लेते हैं, ओनली वन ट्रेड लगाएंगे और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये चौथा ट्रेड है, उसके बाद लास्ट हमें एक ट्रेड लेना है, और देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी गाइस, हमें पांच शॉर्ट शॉर्ट निकालने हैं, और ये हमारा अगेंस्ट में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्ट एंगल यहाँ लेंगे हम। ठीक है, थोड़ा सा बचा है, अगर ये थोड़ा सा ऊपर चला जाए तो हमारा विन हो जाएगा, 3-2-1, और ये हमारा विन हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे गाइस, ये हमारा विन हो चुका है, शॉर्ट शॉर्ट विन है। ठीक है, तो अब इसको हम फिर से 1000 पे ले जाएंगे, और लास्ट एक ट्रेड लगाएंगे और मार्केट से आउट हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट वन ट्रेड एंड वी विल आउट फ्रॉम द मार्केट। अभी फिलहाल अगर ये 20% नहीं, ये जहाँ छोरी दो बहुत ही रेंजिंग है यहाँ। ठीक है, एक बायर का जो है मार्केट यहाँ से अपसाइड की रैली दिखाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है, अभी फिलहाल एक लास्ट ट्रेड लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक डाउन की ट्रेड लगा रहा हूँ गाइस, बिकॉज मुझे मार्केट से निकलना है, और ये कैंडल यहाँ पे सेलर की बननी चाहिए, बिकॉज मार्केट को यहाँ तक आना है। कहाँ तक, देखो कहाँ तक आना है इसको, अगर मैं हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो मार्केट को अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तक आना, करीबन यहाँ तक के लेवल पे, लेकिन मार्केट एक की लेवल से रिजेक्शन लेकर के ऊपर जा रहा है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि मार्केट अब नीचे नहीं आएगा, वो ऊपर साइड की रैली दिखाएगा। कहाँ तक का, तो ये एक इवनिंग स्टार के पैटर्न तक का। कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे एक और अपवर्ड की ट्रेड लगाएंगे, दो अपवर्ड की ट्रेड हम यहाँ पे लगाने वाले, बिकॉज मुझे पता है मार्केट यहाँ से ग्रीन बुलिश ही जाएगा और वो ऊपर साइड की रैली करेगा। देख सकते हो ट्रेड लगाते ही मार्केट कितना तगड़ा पंप दिखाया, देख लो ट्रेड लगाते ही मार्केट कितना तगड़ा पंप दिखाया। तो ये एक डीप नॉलेज है, आप भी गेन कर सकते हो मार्केट में पर डे प्रैक्टिस कर करके
ठीक है। तो गाइज देख सकते हो, इसी के साथ गाइज वीडियो को एंड करेंगे। तो जिनको भी गाइज वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। और गाइज जिनको भी इस तरह की ट्रेडिंग सीखनी है वो मेरा कोर्स परचेज करके सीख सकते हो। कोर्स की डिटेल आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के सबसे ऊपर में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट एक टॉप लेवल पे गया एंड यहाँ से रिजेक्ट होकर के नीचे आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, विन होना चाहिए, बट अगर लॉस हो जाता है इन्हें नहीं कहें तो हम यहाँ पे रिकवर करेंगे। मैं यहाँ पे इसको कटवर्ट करके छुपाऊंगा नहीं, जो भी रियलिटी आपको दिखा दूंगा। लेकिन ये अभी फिलहाल ऊपर जाना चाहिए, यहाँ पे अभी भी गया है। की लेवल तो यहाँ तक का, आई थिंक यहाँ तक का की लेवल है इसका, यहाँ तक का अप्रॉक्स, ठीक है। तो यहाँ एक ग्रीन कैंडल तो हमें चाहिए, छोटी सी बने मोटी सी बने, बट एक ग्रीन कैंडल तो चाहिए, ठीक है। तो गाइस देख सकते हैं ट्रेड हमारा सक्सेस हो चुका है। तो जिनको भी इस तरह की ट्रेडिंग सीखनी है आ जाना टेलीग्राम पे, एंड वहाँ पे मैं आपको कोर्स के थ्रू सिखा सकता हूँ, ठीक है। एंड जिनको फाइनेंशियली इशू उनका थोड़ा बहुत ऑफ भी हो जाएगा तो उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड लव यू ऑल, ओके।